नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अशोक फिलोस में। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी अननोन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी स्टोरी है जो शायद ही किसी कुछ लोगों ने सुनी हो या देखी हो या जिसके बारे में पढ़ा हो। तो ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने काफ़ी अलग अलग देशों के लिए जंगें लड़ी, और वो क्यों लड़ी, कैसे लड़ी। वो कोई मिशनरी नहीं था या पैसे लेके लड़ने वाला इंसान भी नहीं था, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, वो इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन कमेंट कीजिए। ये कहानी एक यांग कॉन्ग जोंग कोरियन आदमी की है। ये कोरियन आदमी जो था उसको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा था। मतलब उस टाइम पे जापान की कॉलोनी था साउथ कोरिया, मतलब कि जापान वहाँ पे राज करता था कोरिया पे। तो इसलिए जापान को जब भी लोगों की जरूरत पड़ती थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब वो लोग थे तो उनको जब भी सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी, सोल्जर की, तो वो कोरियन लोगों को भेजा करते थे। जैसे इंडिया में भी अब ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को भेजा करते थे लड़ने के लिए, वैसे ही जापान कोरियन लोगों को भेजा करता था। तो जब जापान की लड़ाई शुरू हुई यहाँ पे सोवियत यूनियन के साथ, सोवियत यूनियन मतलब अभी का रशिया, तो उनके साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो कोरियन लोगों को वहाँ पे भेजा गया। तो जितने भी कोरियन लोग थे वो जापान की तरफ से वहाँ पे लड़ रहे थे। तो जब ये लोग लड़ रहे थे तब लड़ते लड़ते क्या हुआ कि जापानी लोग हार गए, मतलब जो कोरियन लोग थे जापान की तरफ से लड़ रहे थे वो हार गए। प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं वो बना लिया। तो अब इसके बाद रशिया ने इन लोगों को पकड़ लिया। अब रशिया भी था वो टू में, तो ये काफ़ी वॉरें हो रही थी उस टाइम पे। तो जब रशिया के पास लोग कम पड़े या सोल्जर कम पड़े तो उन्होंने बोला कि चलो प्रिजनर ऑफ वॉर को हम भेजते हैं लड़ने के लिए। तो इस तरह ये जो कोरियन इंसान था यांग, वो वापस से लड़ने गया। अब इस बार सोवियत यूनियन की तरफ से ये लड़ रहा था, तो यूरोप में लड़ रहा था जर्मनी के सामने। तो अब जैसे अब सेम चीज़ रिपीट हुई कि जब इनको फिर से जर्मनी वालों ने पकड़ लिया, हिटलर ने पकड़ लिया, तो वहाँ पे फिर इनको पकड़ लिया सारे लोगों को जो सोवियत की तरफ से लड़ रहे थे। अब जर्मन लोग जब आगे लड़ रहे थे तो उनको भी सोल्जर्स की कमी हुई, तो उन्होंने भी बोला प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हम भेजेंगे लड़ने। तो वापस से यांग को भेजा गया और जो भी लोग थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको वापस भेजा गया। ये अब तीसरी बार लड़ाई लड़ रहा था तीसरे देश के लिए, अब वो जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो बड़े के अंदर दो पावर्स थे, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके बाद अब जर्मनी की तरफ से लड़ते लड़ते इसको अब अमेरिका ने पकड़ लिया। अमेरिका ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ लिया। इन सबको पकड़ के अब अमेरिका ने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका ने सारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको छोड़ दिया। तो उसी में यांग क्वांगजंग भी छूट गए वहाँ से, और फिर वो अमेरिका में ही रहने लगे लुइजियाना स्टेट में। ये कहानी देखिए कितनी अजीब है कि एक गुलाम जो जापान का गुलाम था वो लड़ते लड़ते अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका में रहने लगा। उसने तीन देशों के लिए लड़ाई लड़ी, पहले जापान की तरफ से सोवियत के खिलाफ, सोवियत की तरफ से जर्मनी के खिलाफ, फिर जर्मनी की तरफ से अमेरिका और बाकी सब के खिलाफ। पर अमेरिका ने इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया और अपने देश में उनको रहने की जगह भी दी। तो ये कहानी थी दोस्तों एक ऐसे इंसान की जिसने काफ़ी कुछ सहा अपने जीवन में और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। काफ़ी स्ट्रेंज स्टोरी मुझे लगी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके। जय हिंद।